देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं विष्णु शर्मा आज आपसे बात करूंगा उन 10 फिल्मों की जिनके जरिए, जिनके डायलॉग्स के जरिए, जिनके सीन्स के जरिए कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट में मोदी सरकार है उस पर वार किया गया है। जी हाँ, उनको निशाने पर लिया गया। और वो कैसे, आप अगर आपको याद होगा कैसे सेंसर बोर्ड चीफ पहला नैलानी को संस्कारी सेंसर बोर्ड चीफ बोला गया और उनकी जगह नए सेंसर बोर्ड चीफ बनाए गए, उसके बावजूद जो फिल्मकार हैं, जो उनकी क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं, चाहे वो मजाक में हो या डेलिबरेटली हो, वो लगातार मोदी सरकार के जो वायदे हैं, जो मोदी सरकार की योजना है या उनके जुमले हैं उनको निशाने पर लेती रही है। जी हम 10 फिल्मों की आज बात करेंगे। पहले बात करते हैं दो उन फिल्मों की जो ज्यादा चर्चा में अभी हैं, स्त्री और होटल मिलन। जी हाँ, अगर आपने स्त्री फिल्म देखी हो या उसका ट्रेलर भी देखा हो तो आपने गौर किया होगा मजाक में है, पंकज त्रिपाठी में एक सीन है जिसमें वो लोग उसे पूछते हैं कि आखिर स्त्री हमें कैसे जान लेती है हमारे बारे में सब कुछ, तो वो जवाब देता है कि सबका आधार कार्ड उससे लिंक है। जी हाँ, ये तो आपने ट्रेलर में भी देखा। फिल्म में एक डायलॉग था जो ट्रेलर में नहीं दिखाया गया और वो डायलॉग सीधे सीधे कमेंट था। उस डायलॉग में था कभी किसी को किसी का भक्त नहीं बनना चाहिए। जी हाँ, किसी ने अपने रिव्यू में नहीं बताया, किसी ने कुछ नहीं बताया। वो बात कर रहे हैं देवी भक्ति की लेकिन वहां सीधे सीधे नेपथ्य से आवाज आती है, किसी के मुंह से वो डायलॉग नहीं है, किसी वो पता नहीं चलता कि कौन बोला लेकिन वो सीधे सीधे आता है कि कभी किसी को किसी की भक्ति नहीं करनी चाहिए, किसी को किसी का भक्त नहीं बनना चाहिए। अब हम बात करेंगे इन दो फिल्मों के बाद दूसरी फिल्म होटल मिलन। होटल मिलन जो फिल्म है वो जीशान कादरी को आपने देखा होगा गैंग ऑफ वासेपुर में, और जो विद्या बालन के देवर हैं छोटे वाले जो आपने देखे थे दिल्ली 6 में सबसे छोटे, इन दोनों के साथ एक फिल्म आ रही है होटल मिलन, और जिसमें जयदीप सहरावत जो है, जयदीप सहरावत विलेन का रोल किरदार कर रहे हैं। तो उस फिल्म में क्या है, उस फिल्म के ट्रेलर में ही योगी दिखाए गए हैं जो ऐलान करते हैं कि हमारा जो एंटी रोमियो स्क्वाड है वो क्या क्या करेगा। एंटी रोमियो स्क्वाड के बारे में आपने यूपी में सुना होगा, टीवी पे देखा होगा उसके बारे में, कैसे वो लड़के लड़कियों की जो लड़कियों के साथ बदतमीजी होती है उसको रोकेगा। ऐसे में फिल्म का ट्रेलर जहाँ से शुरू होता है, फिल्म वहीं से शुरू होती है कि दो बेरोजगार दोस्त तो सेंटी रोमियो स्क्वाड के बहाने एक धंधा शुरू करते हैं, और वो क्या धंधा होता है, होटल मिलन का। यानी लड़के लड़कियों को, क्योंकि अब सड़क पे नहीं आसानी से मिलना मुमकिन होगा, तो उनको एक ऐसा होटल प्रोवाइड कराना जहाँ वो मिल सके। और इसका विरोध करता है एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता, जाहिर है वो राजनीतिक पार्टी का सीधा सीधा इशारा मोदी और योगी की तरफ है। वो फिल्म क्या होगी जब आएगी तब आपको बताएंगे, लेकिन ट्रेलर में सीधा सीधा इशारा है कि फिल्म कहाँ जा रही है। तीन ऐसी फिल्मों की बात करेंगे जो हालिया आई एक साल के अंदर, डेढ़ साल के अंदर, और जो तीनों में बीफ का मुद्दा उठाया गया है, जो सीधा सीधा जो मोदी सरकार है उस पर कमेंट था, क्योंकि इस वक्त बीफ और लिंचिंग के मुद्दे उठते रहे हैं। तो पहली फिल्म थी फुकरे रिटर्न्स। फुकरे रिटर्न्स अगर आपने देखी हो, उस फुकरे रिटर्न्स जो आई थी फिल्म, उसमें सीधा सिंपल है, कुछ नहीं किया जा रहा है। एक चिड़ियाघर का सीन है जिसमें एक पिंजरे में शेर को मीट खिला रहे हैं जो कर्मचारी है चिड़ियाघर के, उनमें से एक कर्मचारी बोलते हैं यार शेर के लिए बीफ पर कब बैन होगा। साफ सा मतलब था उस बीफ बैन की बात हो रही है, मजाकिया तौर पे कहा गया। लेकिन दूसरा जो कमेंट था वो उसी चिड़ियाघर का सीन था, इसमें जो चूचा नाम का किरदार आपने देखा होगा, फुकरे डंस देखी हो, वो एक लड़की को बोलता है उसमें एक पोस्टर लेके येल यूनिवर्सिटी का कि अब हम येले यूनिवर्सिटी में विदेश पढ़ने जाएंगे। वो सीधा सीधा स्मृति ईरानी पर कमेंट था, और बाकी जो उनसे जुड़ा विवाद है वो पढ़े लिखे लोग सारे जानते ही हैं येल यूनिवर्सिटी को लेके स्मृति ईरानी का। तो ये पहली फिल्म थी बीफ वाली। और दूसरी फिल्म जो थी वो थी मुक्काबाज, अनुराग कश्यप की फिल्म थी, विनीत सिंह को उन्होंने लॉन्च किया इस फिल्म के जरिए। पूरी फिल्म का मुक्काबाजी का किसी भी पार्टी से या उससे लेना देना नहीं, किसी भी बीफ या इस तरह के जो हिंदुत्ववादी दल है उनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिल्म की सीन की शुरुआत होती है, मैं चार ऐसी घटनाएं इस फिल्म में बताऊंगा। पहली घटना शुरू होती है कि पहला सीन ही शुरू होता है कैसे कुछ हिंदुवादी कार्यकर्ता एक ट्रक को रोक लेते हैं जिसमें मीट लदा हुआ है, और उसके ड्राइवर को मारते पीटते हैं, और उससे मोबाइल पे कन्फेशन करवाते हैं कि हाँ इसमें बीफ था, मैं यहाँ लेके जा रहा था और ये था होता। तो ये पहला सीन। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कैसे विलेन का नाम है भगवान जी इस फिल्म में, और उस सीन में दिखाया जाता है कुछ लड़के मीट पका रहे हैं और बोल रहे हैं, एक लड़का बोलता है कि अरे 2 किलो मीट तो अकेले भगवान जी खा जाएंगे, और भगवान जी भी उस फिल्म में पूरी तरह से उसी तरह कहते हैं कि भगवान जी जो करते हैं वो सही करते हैं। और जब भगवान जी किसी को मारते हैं तो बोलते हैं कि भारत माता की जय,
भारत माता की अपने आप में एक विवादित नारा मोदी सरकार में बना दिया गया है। और जब विलेन को हीरो आखिर में पीटता है तो वो हर घुसे में बोलता है भारत माता की जय, जैसे भारत माता को पीट रहा हो या भारत माता की जय बोलने वालों को पीट रहा हो। चौथा जो सीन जो इस फिल्म में है वो सीधे सीधे बिसाड़ा कांड है। बिसाड़ा कांड नोएडा का जैसे हुआ, घर के बाहर मीट मिला और उसके बाद उस बंदे को पकड़ के मारा गया, मैं नाम भूल गया हूँ अभी, और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। यहाँ इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक मुक्काबाज है विनीत सिंह, गरीब है, उसको वहाँ का जो लोकल डॉन है जिम्मी शेरगिल, वो मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष भी है, वो उसको मुक्काबाजी करने नहीं देता, सीखने नहीं देता, लोकल कोच को सिखाने को तैयार नहीं होता। तब लखनऊ से रवि किशन कोच के तौर पे आते हैं और उसके शहर बरेली में आकर उसको सिखाते हैं। तो कोच के घर पे कैसे बड़े का, यहाँ बीफ की जगह बड़े का यूज किया गया है, बड़े का रख दिया जाता है और अंधेरे में हिंदूवादी कार्यकर्ता उसके घर पे हमला बोल देते हैं और पीटते हैं, ये सब उसी बिसाड़ा कांड से लिया गया। और जबकि इस पूरी फिल्म में उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन चार सीन्स के जरिए या विलेन का नाम भगवान जी रखे उन्होंने धीरे से मैसेज दे दिया। अब जो हम बात करते बीप वाले शू पर, तीन फिल्मों को मैंने नाम लिया, एक तीसरी फिल्म थी नानू की जानू, ये भी हॉरर कॉमेडी फिल्म थी, अभय देओल इसमें हीरो थे। और कैसे इस फिल्म में दिखाया गया कि इस फिल्म की मूल कहानी ये है कि एक लड़की स्कूटी पे जा रही है और अचानक पता चलता है एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई और भूत बन जाती है। लेकिन वो लड़की जो थी, बाद में सीसीटीवी निकाला गया था कि बड़ी तेज रफ्तार कार इधर से गुजरी, हो सकता है उसने मारा। उस तेज रफ्तार कार के मालिक तक जब हीरो पहुंचता है तो वो भी आखिर में पहुंचता है क्लाइमेक्स में जाके, तब वो बताता है कि मैं उसमें मीट ले जा रहा था और मैं इसलिए तेजी से कार चला रहा था कि लोगों ने अफवाह उड़ा दी थी कि इसमें बीफ है और इसलिए मैं तेजी से भाग रहा था, और इसलिए जबकि मेरी कार से वाकई में उसकी कार से नहीं टकराई होती है। लेकिन ये चीज जरूरी नहीं था, कोई भी तेजी से कार किसी अलग अलग वजह से चला सकता है। ऐसे में बीफ को वहां घुसाना, एक ऐसे कहानी को एक नया मोड़ देना था और मजा लेना था, वो मजा उन्होंने लिया। तो ये पांच फिल्में ये हुई। जो छठवीं फिल्म थी वो बहुत चर्चा में रही, मराठी फिल्म सैराट। सैराट में आपने देखा, जरूरत थी या नहीं थी सीन की, लेकिन एक सीन दिखाया जाता है कैसे वो लोग घर से भाग जाते हैं और साउथ में कहीं चले जाते हैं और वहां पर जो हीरो हीरोइन थे वो सड़क से जा रहे होते हैं और देखते हैं साइड में जो शायद बजरंग दल वाले कार्यकर्ता हो सकते हैं, कोई भी हिंदुत्व दल कार्यकर्ता हो सकते हैं, जो भगवा कपड़े पहने हुए प्रेमी प्रेमिकाओं को पीट रहे हैं, जो लड़के लड़कियों को पीट रहे हैं या भगा रहे हैं वहां से। एक सीन बस चलते चलते था, इसमें कुछ नहीं। तो ये कहीं ना कहीं मैसेज क्लियर करता है। ये अलग बात है कि जो इसका धड़क वर्जन बनाया हिंदी वर्जन करण जौहर ने, उसमें ये सीन इस तरह का नहीं रखा गया। दूसरी जो फिल्म थी मुल्क, मुल्क बहुत चर्चा में रही। मुल्क में सीधे सीधे था कि हिंदू और मुस्लिम, लेकिन दोनों तरफ से था। वहाँ हिंदू भी अपनी बात रखते हैं कि कैसे पाकिस्तान जब जीतता है तो नारे लगते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के, तो मुसलमान भी बात रखते हैं कि भाई ओसामा की दाढ़ी और हमारी दाढ़ी में आप फर्क नहीं कर सकते। तो वैसे कुछ नहीं था, लेकिन मजाक में एक सीन नोटबंदी पे फिर भी था, उसमें कैसे मनोज पाहवा एक दुकानदार पे कमेंट मारते हैं कि चचे गिन लो नोट, ये भी बंद हो जाने हैं। तो ये चलते चलते मुल्क में था। उसके अलावा मैं बात करूंगा एक वेब सीरीज की, घूल। घूल में ये दिखाया गया, जो वेब सीरीज आई नेटफ्लिक्स पर, उसमें हालांकि एक ऐसा जो आर्मी का अंडरग्राउंड ऐसा इंटरोगेशन सेंटर था जहां पे चुपचाप लाकर जो ऐसे कैदी हैं, टेररिस्ट हैं, जिनसे पूछताछ की जाती है और उसमें निर्दोषों से भी उनको बंद कर दिया जाता है, एक को जला के मार दिया जाता है, उस तरह से उसमें दिखाया गया। आर्मी की जो छवि पे सवाल तो उठे, लेकिन साथ साथ उसमें तीन चार डायलॉग थे जो कहीं ना कहीं अंध राष्ट्रभक्ति और उसके सहारे उन्होंने बात की, कैसे आप अंध राष्ट्रभक्ति फैला रहे हो, नफरत फैला रहे हो उसके जरिए, वो कहीं ना कहीं सीधे सीधे जो मोदी सरकार है उस पर कमेंट करते से लग रहे थे। उसके बाद हम बात करेंगे फन्ने खां की, जो हमारी जो नौवीं फिल्म फन्ने खां अनिल कपूर की फिल्म थी, मस्त फिल्म थी, पॉलिटिक्स से उसमें कुछ भी लेना देना नहीं था, लेकिन उसने गाना रिलीज किया फिल्म रिलीज से पहले जब गाना आया कि मेरे 6 दिन कब आएंगे, और उसके जरिए फिर विवाद हुआ। बाद में जब फिल्म लोगों ने देखी तो पता चला कि उसमें आखिर में एक गाना है, मेरे 6 दिन तो आए रहे, इस तरह से उन्होंने उसको बैलेंस कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी की लोकप्रियता से जोड़ के ये फिल्में इसलिए भी उनके डायलॉग्स डाले जाते हैं कि इसके जरिए विवादों में आए और फिल्म और कहीं ना कहीं चर्चा में आए, और ज्यादातर ये नेगेटिव रूप से लिया गया। लेकिन सत्यमेव जयते में उन्होंने कोशिश की, सत्यमेव जयते में जो फिल्म थी जॉन अब्राहम की, उसमें ये कोशिश हुई कि बीच बीच में मोदी से जुड़ी योजना या डायलॉग डाले गए, और वो लेकिन डाले गए ज्यादातर पॉजिटिव अंदाज में, जैसे
करप्शन का विरोध करने के लिए पुलिस वाले से वो पूछता है कि आप इसके पहले पैसे कितने लेते थे और अब कितने लेते हो। मान लो कोई भी केस में किसी को फंसाने के, तो वो बोलता है पहले 2 लाख लेते थे, अब इतने लाख लेते हैं, तो बोलता है अच्छे दिन तो आपके आए हैं। फिर दूसरा कमेंट एक होता है, वो होता है कि नोटबंदी पे, वो होता है कि अफसोस नोट तो बदले लेकिन नीयत नहीं बदली। एक तीसरा कमेंट होता है 56 इंच पे कि 2 टके की जान लेने के लिए 9 मिलीमीटर की गोली नहीं 56 इंच का जिगरा चाहिए। ये आपने ट्रेलर में भी देखा होगा। एक और जो कमेंट होता है उसके लिए तो स्पेशल सीन फिल्माया गया, वो पेट्रोल के दाम पे कमेंट करना था, और वो कैसे किया गया कि एक इंस्पेक्टर बनाया गया दामले नाम का, और उसको बाकायदा पेट्रोल पंप पे मारने की योजना बनाई जॉन अब्राहम ने, और फिर उसका नाम भी दामले था। तो जब मारता है उसको तो कहता है कि अब अफसोस तू कल की हेडलाइन नहीं पढ़ पाएगा, मैं आज की आज ही बता देता हूँ तुझे वो हेडलाइन, पेट्रोल और दामले दोनों ऊपर गए। इसका मतलब है कल पेट्रोल बढ़ेगा और उसमें पेट्रोल कीमतें बढ़ेगी, प्लस दामले भी ऊपर गया, तो ये दोनों की हेडलाइन मिल के आएगी। तो ये थी ऐसी 10 फिल्में जिनमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से निशाना बनाया गया मोदी सरकार को, या मोदी की लोकप्रियता से जोड़कर इस तरह से विवाद खड़े किए गए कि फिल्म को चर्चा मिले। ऐसा पहले भी होता है और होता रहा है, लेकिन दो फिल्में ऐसी भी आई जिन्हें सीधे सीधे इंदिरा गांधी को निशाना बनाया गया, मधुर भंडारकर की हिंदू सरकार, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, और बादशाह जो मिलन लुथरिया की फिल्म आई थी अजय देवगन वाली, और दोनों फिल्मों में कहीं ना कहीं संजय गांधी और इंदिरा गांधी को निशाने पर लिया गया था। तो ये पॉलिटिक्स है, इसमें सब कुछ चलता है। ऐसी 10 फिल्में हमने आपको बताई जो मोदी सरकार के एक तरह से खिलाफ थी या उन पर कमेंट कर रही थी। ऐसी तमाम दिलचस्प कहानियां देखने के लिए, खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए। थैंक यू, नमस्कार।